तो अभी मॉर्निंग के 4:30 बज रहे हैं, अभी हम किचन में हैं, तो यहाँ पे हम पूरी बना रहे हैं दिया के लिए। तो हम लोग आज धरान जाने वाले हैं, तो उसी के लिए हम दिया के लिए बना रहे हैं, क्योंकि वो बाहर का कुछ खाती पीती नहीं है, इसलिए। तो बने रहिएगा पूरा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। आगे ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड आप लोगों के साथ भी हम सब कुछ शेयर करेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं सब कुछ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल राधिका दिया की दुनिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो अभी से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, एंड हम 4:30 बजे ही जागे थे, क्योंकि आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग धरान जा रहे हैं, एंड बने रहिएगा पूरा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो हम लोग जा रहे हैं धरान जा रहे हैं, वहाँ पे 2-3 मंदिर है, हम लोग को दर्शन करना है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं और कहाँ घूम पाते, टाइम और मिलेगा तो और भी जगह जाएंगे घूमने के लिए। तो सुबह हम 4:30 बजे जागे हैं, दिया के लिए हम पूरी बनाए, क्योंकि वो बाहर का कुछ नहीं खाती थी, इसीलिए उसके लिए घर से ही पूरी बना कर लिया, मतलब घर में ही पूरी बना लिए थे, और उसको ले जाएंगे अभी, ताकि उसको हम देंगे रास्ते में खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए हैं, हस्बैंड एंड दिया घर के बाहर है, वो मेरा वेट कर रहे हैं, तभी हम जाते हैं। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना इसकी किए हुए पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकल गए हैं, हम लोग बस से ही जाएंगे, तो यहाँ से करीब 1.5 घंटा लगता है धरान पहुँचने में। तो अभी हम लोग बस स्टैंड जा रहे हैं, वहाँ से फिर हम लोग बस लेंगे। तो आप लोग सड़क का हाल देख सकते हो, यहाँ से पूरा मेरा घर तक का, यहाँ पे सड़क बन रहा है, इसी वजह से हमने दिया है, उसके पापा जा रहे हैं वहाँ पे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ। दियू आज पापा बेटी मैचिंग मैचिंग, आज मेरा मैचिंग नहीं। दियो आई करो। तो यहाँ पे भी हम लोग बस में बैठ गए हैं, यहाँ से करीब 1-1.5 घंटा लगेगा, अगर अपना गाड़ी से जाते हैं तो 1 घंटा लगता है, लेकिन हम लोग बस से जा रहे हैं, तो बस तो रुक रुक कर जाता है लोकल बस, तो इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये है धरान का बस स्टैंड, हम लोग पहुंच गए, अभी जस्ट पहुंचे हैं, एंड आप लोग देख सकते हो पूरा। तो अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे दंतकाली मंदिर, तो हम लोग सबसे पहले वहीं जाने वाले हैं। आज हम धरान में 4-5 मंदिर है, वो चारों पांचों मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, आज हम लोग मंदिर दर्शन करने ही आए हैं, एंड हम लोग साथ में फर्स्ट टाइम ही धरान आए हैं। हम आए थे पहले अपने फैमिली के साथ आए थे, एंड वो भी अपने फैमिली, मतलब अकेले गए थे या फैमिली के साथ हमको नहीं पता, लेकिन गए थे, लेकिन हम दोनों साथ में फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं, अंधिया भी फर्स्ट टाइम आ रही है। तो यहाँ पे बहुत सारा मंदिर है, और हम लोग का मन्नत भी था, तो इसलिए भी सोचे चल जाते हैं। आज बहुत दिन से सोच रहे थे कि आज जाएंगे कल जाएंगे, दिन ही नहीं बन रहा था, तो आज दिन बन गया था फाइनली, तो आज निकल गए हम लोग। तो यहाँ पे भी दंतकाली मंदिर जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ऑटो ले लिए हैं, तो देख सकते हो आप लोग पूरा धरान का व्यू। तो पहाड़ी पर माता का मंदिर है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, नीचे का आप लोग व्यू देख सकते हो पूरा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे दंतकाली माता का मंदिर पहुँच गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे आए, तो यहाँ पे अभी हम पूजा करेंगे, एंड आप लोग भीड़ भी बहुत ज़्यादा ही था, एंड यहाँ पे भीड़ रोज़ ही इतना रहता है, ये नहीं कि सिर्फ आज ही है, हमेशा रहता है, हम जब पहले आए थे तब भी इतना ही भीड़ था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मंदिर, एंड ये मंदिर में काली माँ का दांत का पूजा होता है, इसीलिए ये मंदिर का नाम दंतकाली, एंड बहुत मतलब ये आपरूपी मंदिर है, मंदिर मतलब आपरूपी, यहाँ पर माता का ये दांत का पूजा होता है शुरू से ही, तो इसीलिए ये मंदिर का नाम दंतकाली रखा गया है। एंड देख सकते हो आप लोग पूरा मंदिर, आप लोग देखिए, आप लोग भी एंजॉय करिए ब्लॉग को, तो बने रहिएगा ब्लॉग में, एंड हम लोग अभी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोग देख सकते हो मंदिर के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे भी लाइन लगना था थोड़ा, मतलब ज़्यादा तो नहीं लगे, लेकिन थोड़ा लाइन लगना था, तो थोड़ा देर हम लोग लाइन में लगे, एंड उसके बाद से माता का दर्शन हुआ, एंड यहाँ पर भी हम पूजा कर रहे हैं, दिया बैठी हुई है साइड में, उसके पापा उसको बिठा दिए एक जगह पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बैठी हुई है।
लेकिन दिया का एक आदत बहुत अच्छा है कि हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करती है। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि उसको मम्मी पापा के साथ ही रहना, हाथ पकड़ के घूमना है, ऐसा नहीं। कभी उसका मूड ऐसा ख़राब हो गया तब का अलग बात है, लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वो जिद नहीं करती किसी भी चीज़ का, या उसको भी साथ में जाना है, जैसे भीड़ में जाना है, ये सब वो नहीं करती। तो ये उसका बहुत ज़्यादा अच्छा आदत है। तो अंदर में पूजा हो गया था तो यहाँ पे हम बाहर में दिया जला रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। जैसे कि तो नेपाल में सारे मंदिर का यही रूल है कि अंदर में दिया अगरबत्ती नहीं दिखाने देते हैं, तो बाहर में ही दिखाते हैं, बस अंदर में दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम बाहर में ही अभी दिया अगरबत्ती दिखा रहे हैं एंड पूजा कर लेंगे एंड फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो बहुत दिन से सोच रहे थे, जब से शादी हुआ था तभी से सोच रहे थे, लेकिन हो ही नहीं पाया। फिर दिया होगी उसके बाद कोविड आ गया। कोविड तो 2 साल तक कोविड के कारण ही सारा प्लान पोस्टपोन हुआ, जितना भी कहीं भी जाना था, जो भी करना था, सब कोरोना के कारण पोस्टपोन होते गया। तो फाइनली अब जाकर कोरोना से राहत मिला एंड मेरी बेटी भी थोड़ी भरी हो गई, अभी उसको लेकर जाना थोड़ा कम्फर्टेबल लगता है। नहीं तो वो भी छोटी थी, तो छोटा बच्चा को लेकर ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होता, चाहे वो शॉर्ट ट्रैवल हो या लॉन्ग ट्रैवल हो। तो इसी वजह से तो बस यही पूजा पाठ मेरा चल रहा है, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। तो मंदिर में तो यही ब्लॉग, मंदिर का तो यही ब्लॉग रहेगा कि पूजा पाठ का ही रहेगा। एंड फाइनली मेरा इच्छा पूरा हो गया इतने साल बाद आने का। ये इच्छा मेरे हस्बैंड का था, मेरा नहीं था, उनका ये, वो पता नहीं कभी मन्नत किए थे तो उन्हीं का मन था, लेकिन प्लान ही नहीं बन पा रहा था, कुछ ना कुछ के कारण नहीं हो पा रहा था। जबकि मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 1.5 घंटे की ही दूरी पर धराना है, लेकिन नहीं निकल पाते हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता है। इंसान सोचता है जो है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वही हो, तो वही बात है। एंड हम लोग का जब से शादी हुआ है, पता नहीं हम लोग के किस्मत में ही यही लिखा हुआ है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं मंदिर में ही जाते हैं, मतलब इसी टाइप के जगह पर जाते हैं। अभी जहाँ भी या घूमने जाओ या कहीं भी जाओ, तो हम लोग का भी हम लोग प्लानिंग भी करते हैं कहीं और जाने का, मतलब लेकिन सबसे पहले जहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ मंदिर है हम लोग को वहीं जाना होता है। तो इसीलिए ये भी अच्छा है, ये जब से शादी हुआ है तब से जब स्टार्ट किए घूमना तो मंदिर का ही दर्शन हो रहा है हर जगह का, ये भी अच्छा है। पहले सारा मंदिर ही कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे कहाँ जाते हैं। तो यही है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग दिया बैठी हुई है एंड यहाँ पर हो गया पूजा पाठ हम लोग का। तो यहाँ पर फोटो शूट करवा रहे थे, मतलब फोटो शूट कर रहे थे। तो बस यही आज का ये ब्लॉग है। ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एंड लास्ट में कुछ भी कैट कर देंगे आज की, तो वो ज़रूर देखिएगा। एंड ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, तो वो ब्लॉग कल शायद हम अपलोड करेंगे, अभी एडिट नहीं कर पाए इसीलिए। तो आज ये ब्लॉग जाएगा एंड कल सेकंड पार्ट जाएगा, तो वो ब्लॉग भी पूरा देखिएगा, वो ब्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें हम बाकी जितने भी मंदिर गए, 2-3 मंदिर गए, वो सारा मंदिर का ब्लॉग उसी में आएगा, तो वो ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गया, तो हम लोग अभी बस निकल रहे हैं। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बुलावे तुझे यारे अच मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यारे अच मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है।